मिल रहे हैं ग्लोबल बाजारों से। गिफ्ट निफ्टी की बात करें तो करीब 90 से 100 अंकों की तेजी भारतीय बाजारों के लिए दिखाई दे रही है, और फेड की कमेंट्री की बात करें तो वो भी काफी पॉजिटिव आई है। कोई मेजर अनएक्सपेक्टेड चेंजेस नहीं हुए हैं। इस बीच हमारे साथ डिम्पी भी जुड़ गए हैं, जो हमें बताएंगे आज के बाजारों पर क्या इम्पैक्ट दिखाई दे सकता है, निफ्टी और बैंक निफ्टी पर क्या सपोर्ट और रेजिस्टेंस लेवल्स रहेंगे। डिम्पी, गुड मॉर्निंग, बताएं क्या संकेत निकल कर आ रहे हैं और आज ट्रेड सेटअप कैसा रहना चाहिए? आशीषा, गुड मॉर्निंग। देखिए, कल भी मार्केट के अंदर वही हुआ जो पिछले 3 दिन से रिपीट हो रहा है, और यही बात हमने कल भी आपको नोटिस कराई थी कि बाजार ठीक है भले जैसे भी खुले। खैर, कल ओपनिंग भी अनएक्सपेक्टेड हुई थी, क्योंकि अगर आप कल गिफ्ट निफ्टी देख रहे थे तो कल वो लाल निशान में था, लेकिन एकाएक मार्केट ने यानी कि बैंक निफ्टी ने 150 पॉइंट ऊपर खोला, निफ्टी ने करीब 80 पॉइंट ऊपर खोल दिया, और ना केवल खोला बल्कि ड्रैग करके ले गए। एक और चीज थी कल, क्योंकि वीकली एक्सपायरी थी बैंक निफ्टी की, तो कई बार क्या होता है आर्टिफिशियल राइज और आर्टिफिशियल फॉल मार्केट के अंदर क्रिएट किए जाते हैं ताकि प्रीमियम ईटिंग हो पाए। तो टिपिकली मेरे को कल वही प्रोसेस मार्केट के अंदर लगती हुई दिखी है, जिसके अंदर आर्टिफिशियली कल प्रीमियम्स को पहले बढ़ाया गया कॉल्स पे और बाद में उनको ईट कर लिया गया। तो ये मार्केट का एक सिनेरियो रहता है, ऑन डे ऑफ एक्सपायरी जब रेंज में होगा तो कॉल और पुट दोनों के प्रीमियम को ईट कर जाएगा। तो कल टिपिकली वही सेशन चल रहा था। अब आ जाते हैं आज के सेटअप पे। देखिए, आज के सेटअप एक चीज का एडिशन है, इनफैक्ट मैं बोलूंगा दो चीज का एडिशन है। पहला एडिशन ये है कि एक तो फेड का फैसला आ चुका है, तो वहां पे नेगेटिविटी स्प्रेड नहीं हुई, तो पॉजिटिविटी स्प्रेड हुई है। तो वो जो पॉजिटिविटी स्प्रेड हुई है इंडिया तक आ रही है, आपको गिफ्ट निफ्टी तक दिख रहा है वो, तो वो एक अच्छा पॉइंट है कि आपको बैक टू बैक जो आप एक गैप ढूंढ रहे थे, मार्केट ने तो नहीं दिया लेकिन आज हो सकता है थोड़ा गैप अप कर दे। तो अगर एक कर देता है तो फिर से इसकी वही प्रॉब्लम आएगी, 450 से 500 वाली रेंज इसका एक रेजिस्टेंस एरिया है। अगर आज ही आज में पार कर देता विद द हेल्प ऑफ अ ग्लोबल मार्केट, तो फिर ये 100% एक गैप को क्रिएट करके देगा आपको, जो कि करीब 23,000 के आसपास का हो सकता है, क्योंकि अपॉर्चुनिटी लॉस्ट कर देगा अगर आज मार्केट ने वो काम नहीं करके दिखाया। दूसरा पॉइंट, FIIs की होल्डिंग थोड़ी और बढ़ी है, 41% हो गए हैं। आप इसको नेगेटिव भी ले सकते हैं, इसको पॉजिटिव भी ले सकते हैं। बोलेंगे सर ये नेगेटिव कैसे हुई? नेगेटिव इस लिहाज से हुई कि करीब करीब 25% से बढ़कर 41% होल्डिंग जो हुई है, लेकिन मार्केट के अंदर 23,500 पार नहीं हुआ। कहने का मतलब कि 20% होल्डिंग FIIs की बढ़ने पर भी मार्केट ने रेंज का ब्रेकआउट नहीं किया, तो ये नेगेटिव है। अच्छी चीज क्या है कि FIIs बैक टू बैक बाय कर रहे हैं। एक कल और भी चीज हुई है, कल पहली बार DIIs ने अपना माल भी बेचा है। कल उनकी होल्डिंग 52% हुआ करती थी, वो घटकर करीब करीब 47-48% हो गई है, तो उनके मतलब से भी 4-5% की सेल ऑफ हुआ है। ऊपर से रिटेल ने भी हल्का सा एक बेचा है, 55% लॉन्ग पोजीशन 54 कर दिया। कुल मिला के बात सारी यही है कि एक अच्छी चर्निंग मार्केट के अंदर हो रही है। ये सेक्टोरियल चर्निंग, थेमेटिक चर्निंग आपको स्क्रीन पर साफ साफ दिख रही होगी, जिसको हम अपनी मार्केट के लैंग्वेज में इंडेक्स मैनेजमेंट कहते हैं। इंडेक्स वही खड़ा रहेगा, लेकिन स्टॉक स्पेसिफिक और थेमेटिक चीजें मार्केट के अंदर फ्लोट बहुत तेजी से और बहुत फास्ट करेंगी, जो आप देख रहे थे जैसे सीमेंट है, केमिकल है, फर्टिलाइजर है। अब आते हैं निफ्टी के डाटा पे। निफ्टी के अंदर कल ओपन इंटरेस्ट कुछ भी नहीं था, 1% का ओपन इंटरेस्ट था, तो इसलिए कल जो ट्रेड हुआ उसकी कोई विजिबिलिटी, कोई फिजिबिलिटी नहीं मानी जाएगी। तो इसलिए आज का जो ओपनिंग है, गैप होता है, तो गैप की सस्टेनेबिलिटी ही मार्केट को लेके आएगी। तो आपको ना ही रेजिस्टेंस को चेंज करना, ना ही सपोर्ट को। कल जो आपका सपोर्ट एरिया था वो था 23,300 का एक सपोर्ट एरिया। दूसरा आपका जो रेजिस्टेंस एरिया है वो रेजिस्टेंस एरिया है 23,400 से लेके 500 वाली रेंज, वो जस्ट का तस बने रहेगा। जिस डिप की हम वेट कर रहे थे, डिप तो नहीं आया। अगर फिर सामने सामने से लेना चाहे तो आज गैप मिलेगा तो आप वो छोड़ दीजिएगा, या फिर आपका कहना रिस्क रिवॉर्ड खराब है। लेकिन जो पुराने वाले लोग हैं उनको शायद आज एक बार और एग्जिट का रेंज ऊपर के तौर पर मिल सकता है। आते हैं बैंक निफ्टी पे। बैंक निफ्टी में कल 5% का शॉर्ट हुई है, ओपन इंटरेस्ट घटा है, डेट भी शॉर्ट कवरिंग हुई है, क्योंकि प्रीमियम इंक्रीज हुए हैं और OI घटा है। तो इसका मतलब है कि बैंक निफ्टी के अंदर जो वॉल्यूम की वेटेज थी वो कम हो गई है। अब बैंक निफ्टी चलेगा तो सही या गिरेगा भी सही, लेकिन उसकी स्पीड कम हो रही है धीरे धीरे, क्योंकि उसका फ्यूल जो है वो काफी तेजी से खर्च हो रहा है शॉर्ट कवरिंग करवाने में। तो ये एक चीज है नोटिस करने वाली। दूसरा पॉइंट, मार्केट ने कल 50,200 तक दिखाया लेकिन फाइनली 50,000 के नीचे क्लोज किया। तो आपको दो चीज इंपॉर्टेंट है, 50,000 फिर से एक रेजिस्टेंस एरिया आ जाएगा,
और अगर आपको यकीन नहीं हो रहा तो कल यूट्यूब उठाकर देख लीजिए, हमने 50-200 बोला, एग्जैक्टली 50-200 से वापिस निपट के आ गया। तो 50,000-50,200 आपका रेजिस्टेंस एरिया है, 49,500 आपका सपोर्ट एरिया है, और थोड़ा डिप लगेगा तो 300 आपका सपोर्ट एरिया, इससे ज्यादा नहीं होगा। और दूसरा, आपके पास अगर पोजिशन जरूर होल्ड करके रखे नहीं है तो आप अभी लेना मत गैप में, आज गैप छूटता है तो छोड़ देना एक मिनट के लिए, लेकिन थोड़ा सेटल डाउन हो जाने दीजिए, उसके बाद ही लेना है, यानी कि 11-12 बजे के बाद ही लेना। तो अगर आपको पोजीशंस लेनी भी है तो कुल मिला के मार्केट एक रेंज में है, फ्यूरियस बुल रन के अंदर है, लेकिन रिस्क रिवॉर्ड अपना चेक करके ही नए लोग लीजिएगा। बिल्कुल, तो अगर आपके पास पोजीशंस है तो आप बनाए रखें, नए पोजीशंस के लिए थोड़ा इंतजार करना चाहिए। डिम्पी, बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए। एफआईआईज और डीआईआईज ने कल क्या किया उस पर भी नज़र डाल लेते हैं। ज़्यादा कुछ एक्शन नहीं था। एफआईआईज ने करीब 430 करोड़ की खरीदारी कल बाजारों में की और डीआईआईज ने भी करीब 230 करोड़ की खरीदारी की। इंडेक्स फ्यूचर और इंडेक्स ऑप्शंस की बात करें तो एफआईआईज ने इंडेक्स फ्यूचर्स में करीब 3,000 करोड़ की खरीदारी की और इंडेक्स ऑप्शंस में करीब 28,000 करोड़ की बिकवाली की। स्टॉक फ्यूचर्स और स्टॉक ऑप्शंस पर भी नज़र डाल लेते हैं। एफआईआईज ने स्टॉक फ्यूचर्स में 100 करोड़ के ज़्यादा की खरीदारी की और स्टॉक ऑप्शंस में 200 करोड़ की बिकवाली की। ज़्यादा कुछ एक्शन नहीं था। आज के ट्रेडिंग सेशन पर स्ट्रीट की नज़र रहेगी, लेकिन बाजार पर और चर्चा करने के लिए अब हमारे साथ नितिलेश जुड़ चुके हैं। नितिलेश, गुड मॉर्निंग, बताएं सबसे पहले बाजार कैसे शुरू हो सकता है, बाजार पर क्या राय रहेगी और स्टॉक स्पेसिफिक आइडियाज़ क्या रहेंगे? आज का जो गैप ओपनिंग होगा वहां पे कैसे मार्केट सेटल आउट होता है वो एक बार देखना पड़ेगा। गैप ओपनिंग होता है तो लॉन्ग्स को मेरे हिसाब से एक बार के लिए बुक होना कर लेना चाहिए। जब तक मार्केट 23,550 ये लेवल के ऊपर कम्फर्टेबल सस्टेन नहीं होता है तब तक कोई भी लॉन्ग अवॉइड करें। अगर ये सस्टेन होता है तो 23,450 के स्टॉप लॉस के साथ हम लोग इसमें लॉन्ग करके चल सकते हैं। लेकिन आज मुझे लग रहा है कि अगर गैप ओपनिंग होता है उसके बाद सस्टेन नहीं होता है और कल का जो क्लोजिंग है उसके नीचे अगर हम लोग आधा घंटा सस्टेन होते हैं तो शायद से एक शार्प प्रॉफिट बुकिंग देखने को मिल सकती है, तो 23,200 तक भी देखने को मिलेगा। बैंक निफ्टी थोड़ा सा मुझे लग रहा है कि यहाँ पे ट्रिकी हो सकते हैं। 49,500 मेक और ब्रेक लेवल है, इसके नीचे थोड़ा सा पैनिक सेलिंग आ सकता है, लेकिन 50,200 ये लेवल को अगर ये मार्केट सस्टेन कर देता है तो थोड़ा बहुत भी रुक जाता है तो फिर से हम लोग एक बार के लिए 400-500 पॉइंट के शॉर्ट को मूव बैंक निफ्टी में देख सकते हैं। तो लेवल बेस्ड काम करना चाहिए। देखो मार्केट 3 दिन से ठंडा पड़ा है, आप जो भी कर लो ऑप्शंस के प्रीमियम है उसमें लॉसेस ही हो रहे हैं, तो थोड़ा सा वेट एंड वॉच करके अपने क्वांटिटी को मैनेज करके पोजिशन बनाना चाहिए। देखो स्टॉक स्पेसिफिक अगर हम लोग बात करेंगे तो पहला जो मेरा काउंटर होगा वो होगा 50,200। मुझे लग रहा है कि रैली जो है वो स्ट्रेच आउट हो चुकी है। 9,900 के नीचे मैं यहाँ पे बिकवाली करने की राय दूंगा। 9,440 का मेरा स्टॉप लॉस होगा, 9,800 मेरा क्या हो सकता है पहला टारगेट हो सकता है। सेम सिप्ला में भी अगर हम लोग आवर्ली चार्ट देखेंगे तो चार्ट को देखते हुए थकावट मुझे लग रही है, लेकिन बेचना तभी है जब ये स्टॉक 1540 ये लेवल के नीचे ट्रेड करेगा। तो हम लोग 1550 के स्टॉप लॉस के साथ हम लोग इसमें शॉर्ट करेंगे, 1520 से लेके 1500 ये हमारे टारगेट हो सकते हैं। बिल्कुल, तो दोनों ही स्टॉक्स पर बिकवाली की राय, एक है ऑटो सेगमेंट से बजाज ऑटो और दूसरा है फार्मास्यूटिकल सेगमेंट से सिप्ला। नितिलेश, अपना समय निकालकर ईटी नाउ स्वदेश के साथ जुड़ने के लिए शुक्रिया।